हमारे गुरुदेव भगवान ने
Și Dumnezeu a mijlocul de mare, dar și-a primit. Din carnasă. Ei, Santa, this came on me. ज्ञान की पिपासा बड़ी तीव्र धड़क रही है। किसी भी कीमत पर ज्ञान की सत्य की विवेक की प्राप्ति करना है। हमने कई बार बताया है हम जब काशी में रहते थे तो गुरुमा के लिए यहाँ आया करते थे, तो हमारे लिए सबसे सुखद साधन मथुरा से काशी जाने के लिए तूफान एक्सप्रेस थी। और उसी से हम जाते थे, आते थे मुगलसराय तक पहुँच जाते थे, मुगलसराय से वाराणसी पार। मथुरा स्टेशन की घटना है, अभी उस समय बिजनरी की बोतलें शुरू नहीं हुई थी, ये लेट 60s और अर्ली 70s की बात है। गाड़ी रुकी, तूफान एक्सप्रेस में हुआ, हम इंतजार कर रहे हैं अपनी गाड़ी। तो गाड़ी रुकी, प्यास तो सबको लगती ही, गर्मी में सब्जी था, गाड़ी रुकी और पानी वाली का खूब जोर से पानी सब बहुत अच्छा खत्म होता है। आठ आने गिलास दे रहा था, ठंडा पानी अच्छा साफ गिलास, तुरंत पानी मिल रहा था उसका। सब लोगों ने पानी पी लिया, तो आके क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग कुछ होने लग गया था, इसलिए उस गाड़ी को अधिक देर तक रुकना पड़ा, तब तक लोगों को मालूम था ये सबने पानी भरी। थोड़ी देर बाद अरे तो इंतजार गाड़ी में हो रहा था, फिर सेठ जी ने पानी वाले जा रहा, तो हमने देखा पानी वाला एक दो बार तो उसको नजरअंदाज कर दिया, फिर जब तीन बार कहा तो गया उसके पास। उन्होंने कहा पानी क्या भाव है, उसने कहा आठ आने गया। तो पानी वाले ने जब आठ आने गिलास कहा तो शेख पूछता जो चार गिलास ले गए, तो हमने देखा पानी वाले ने नहा कहा नन्ना खा चुपचाप वहां से चला आया। हमको लगा कि बेचारा इसको अकल थी, अरे चार आना तो मिल रहा था दे देता, और नहीं तो उत्तर तो दे सकता था कि भाई हम आठ आने से कम मिले उसे बात नहीं। तो महात्मा लोग तैयार रहते हैं उपदेश देने के लिए, तो हम भी तैयार होंगे उसको उपदेश देने के लिए। जब गाड़ी चली गई बनाई भाई यहाँ आओ बेटा, हम जब बेटा का बैठ कर आया तो यहाँ पास पानी नहीं है, मैंने हाथ धो करके दूसरा ताजा पानी लिया, हमने बेटा को पानी नहीं पीना, तो महाराज आज्ञा कीजिए। मैंने कहा मैं ऐसा तुमको व्यापार करना नहीं आता है, हमारा आज्ञा करें, मैं साफ पानी देता हूँ, हाथ धो के देता हूँ। अरे वो पानी मांग रहा था, उसने कहा तुम पहले तुम बड़े बेमन से गए, और फिर जब गए तो उसने कहा कि आठ आने के लिए चार आने मिला दे, तुमने उसको उत्तर नहीं दिया, चुपचाप लौट गए। तो मुस्कुरा कहता है बाबा जी आप हमको उपदेश दीजिए, हम तो आपके उपदेश पर सुनेंगे ही, लेकिन
लेकिन एक बात बताऊं बाबा जी, ये हमको मालूम है इसलिए आपको बता रहा हूँ, उसको प्यास नहीं लगेगी, उसको अपना टाइम वेस्ट करना, तो मेरा भी टाइम वेस्ट करता, जिसको प्यास लगी कोई दाम पूछता है हमारा। मैंने कहा देव यार, ये गुरु बनने लायक है, मैं इसका गुरु बनना है तो मेरा ही गुरु बनेगा। जिसको प्यास लगी है वो पानी की कोई भी कीमत दे करके पानी पिएगा, जिसको प्यास नहीं लगी है वो फिर भाव ताव करेगा। वही हुआ घर का गई था, 500 साल से ज्यादा हो गए हैं, 30 साल घर के अखे हैं, ज्यादा हो गए हैं, तो 50 साल से ज्यादा हो गए, हमको अब तक दृश्य याद है। जिसको प्यास लगी महाराज जी वो कीमत नहीं पूछता है, उसको पानी चाहिए। जिसको प्यास लगी है माई डियर, वो तमाशों में नहीं भटकता है, हम लोगों को सिखा गया। तो महाराज जी जो घटना सुना रहे थे कि उसी तरह से जिज्ञासु था, वो गुरु जी के पास आया कि हमको ज्ञान डॉक्टर भी दीजिए महाराज, हम आपकी शरण में आए। अरे मैंने कहा तुम सेठ के लड़के हो, जाओ बैठो, जा व्यापार करो, जा करके यहाँ बाबा जी के यहाँ। क्या महाराज जी, अगर आप हमको नहीं स्वीकार करना चाहते तो आप आज्ञा दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा। सेठ पेट से हमको तात्पर्य, मैं तो आपका शिष्य बन के आया हूँ। तो गुरु जी ने कहा अच्छी बात है, मैं तुमको जो कहूँगा वो करोगे, मैं गुरुदेव आपकी आज्ञा पालन करने के लिए आपकी शरण में आया। तो ठीक है, ये सामने पहाड़ी है ना, इसके ऊपर हमारे लिए कुटिया बनाओ। जी गुरु जी, दूसरे दिन देखा गुरु जी ने इंजीनियर आए हैं, स्ट्रक्चर डिजाइनर आए हैं, ठेकेदार आए, सप्लायर आए, मिस्त्री वगैरह आए, वहाँ पूरी टीम आई। गुरु जी ने पूछा क्या भीड़ है कि महाराज जी आपकी कुटिया बनाने के लिए लोग आए। जब बेटा मैंने कुटिया बनवाने के लिए नहीं कहा था, मैंने कुटिया बनाने के लिए कहा था। जो शिष्य तुरंत आप समझ गया, ठीक है गुरु जी, अकेली कुटिया बनानी है, जिसने कभी एक गिलास पानी उठ करके नहीं पिया, वो नीम की पहले खुदाई करने में फावड़ा ले गया, नीम खोदी, फिर पत्थर ले गया, फिर सीमेंट लगे, पानी भी कहाँ पड़ता, पानी भी ढूंढो करके ले जाए, और गुरु की आज्ञा से लगा हुआ है तो जूता कैसे पहले, तो उसके पैरों में से पहले छाले पड़े फूट गए, लेकिन फिर भी लगा रहा। और अपनी पत्नी से कह दिया, देख भगवती इसको सूखी रोटी बासी देना और कुछ मत देना, अगर तेरा मैं त्योहार में मौजूद थोड़ा नमक और लाल मिर्च दे देना, बस मैं मिर्च और रोटी बस। पत्नियों के अपने पत्नी की ओर, मैंने पत्नियों को अपने पतियों के अकल के ऊपर बैठाओ तो होता ही है, किसी किसी थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी किसी कम होता है, लेकिन उनको मालूम है कि क्या करोगा, तो है नहीं, हम ही संभाल रहे हैं। अब उनको लगा पंडित जी को क्या हो गया, अच्छा खासा महल बन जाता, सेठ बनवाया, जैसा बढ़िया सेठ आया था, वो तो करे कुटिया बनाओ, क्या कुटिया बनाएंगे बेचारा, और हमको मना कर दिया खाना मत दे। माता हृदय उसको चुपचाप बढ़िया बढ़िया भोजन बना खिलाए, दिन पंडित बना कर, हाँ हाँ पकड़ा, कुटिया बन गई, कुटिया बन गई, बहुत प्रसन्न कुटिया पी ले गया। तो गुरु जी कुटिया बन गई, जाओ उसको तोड़ दो। अब कितना बड़ा शौक लगना चाहिए था उसको कि मैंने इतनी मेहनत से पानी ले गया, पत्थर ले गया, सीमेंट बालू सब ले गया, एक बार झांके तक नहीं, तोड़ दो। उसने तोड़ दिया, तोड़ करके सब सामानी के लाओ। अब जितना पत्थर उत्थर ले गया सब नीचे लाके घास लगा के
मैं उठिया टूट गई सब सामान आ गया। गुरुदेव के लिए थोड़े आंसू आ गए, बेटा आज तेरा मोक्ष हो जाता है, मुझे दुख है तेरे प्रारब्ध के ऊपर, तुम्हारी माँ ने जो तुमको बढ़िया बढ़िया भोजन कराया है उसके कारण तेरे जो पाप कटने थे वो नहीं कट पाए, प्रारब्ध जो कटना था वो नहीं कट पाया, थोड़ा एक परिग्रह आ गया स्वाद हो गया। मैं जो सूखा फुलका देने की बात कर रहा था उसी लेता तेरे को परिग्रह लगभग ना पड़े, जो भी तू करे वो सब तेरे लिए रहे, तुम्हारे पाप निवृत्त हो जाए, तेरे जो ज्ञान के प्रतिबंधक थे रुकावट थी वो दूर हो जाए, तुमको ज्ञान तो अपने आप प्राप्त हो जाता। पिता तेरी मां ने तुझे बढ़िया बढ़िया भोजन करा के तेरे प्रारब्ध को अशेष होने से अब क्या कहा जाए, बेचारा सेठ का बच्चा क्या कहता देखो, लेकिन लग रहा था गुरु कितने क्रूर हैं, कठोर हैं, निर्दयी तक हैं, ऐसे प्यारे बच्चे से मकान बनवा के करो वो। गुरु की कितनी बड़ी कृपा थी ये और लोग नहीं समझे, उनकी पत्नी भी नहीं समझी, और इसलिए उसके कल्याण के मार्ग में साधिका न होकर के उपाधिका हो गए। निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि कभी गुरुजन कठोर कृपा करते हैं, जैसे सर्जन कठोर कृपा करता है उसी तरह सदगुरु भी कठोर कृपा करते हैं। वृद्धि के लिए जो भी करना हो करते हैं, डॉक्टर तो न्यूट्रल होता है लेकिन गुरु तो बड़ा वात्सल्यमय होता है, जब अपने शिष्य को इस तरह के कठोर आदेश देता है उसके कष्ट को देख करके वो भी रोता है। विश्वास करो ऐसा कभी कभी लगता है कि गुरु जी बड़े कठोर हैं, लेकिन मैं कई संतों को देखा है सामने तो झाक लगाते और पीछे बैठ कर बेचारे लेकिन वो डांट उसके प्रत्यवाय के निवारण के लिए है, इसलिए गुरुजनों को करना पड़ता है। कहने का आशय है कि गुरु की प्रत्येक क्रिया में अपना कल्याण और अपनी करुणा, अपने कल्याण के ही अवलोकन करें, उनकी करुणा का भाव दृढ़ रखें, भाव के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। उस सेठ के बालक ने जिसने भी गिरा उठा के पानी नहीं पिया, उसने गुरु जी के ऊपर अनंत श्रद्धा होने के कारण भी इतने परिश्रम किया बनाई, औरों को गुरु जी कठोर ये थोड़े बेवकूफ लगते होंगे कि मकान ही बनवाना था तो महल बन जाता, लेकिन गुरु को मालूम है कि हमें कुटिया नहीं चाहिए, हमें इसका कल्याण चाहिए, ये धारणा हमारी दृढ़ रहेगी तो हमारे गुरुजन में श्रद्धा और विश्वास रहेगा। श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होने पर जो भी सिद्धि हो, जो भी लक्ष्य हो, उसकी प्राप्ति होती है। सभी संत महापुरुषों के चरणों में आचार्य आप सब जो यहाँ विद्यमान हैं।